सर, हाँ बोला वेंकटियास। तो सर आप इनका अपना यूएई का और इसका सब गल्फ का जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाकिस्तान के साथ जो बढ़ते आ रहा करके बता रहे थे, और इतने सालों से पाकिस्तान उन लोगों को सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से प्रोवाइड कर रहा था अपना। जी रिसेंटली 2 महीना दो तीन दो चार महीना पहले मुकुंद नरवाने साहब का विजिट हुआ था, आपको भी आपका भी एक मतलब इसी वीडियो के आया बारे था। में डिस्कशन हुआ, वीडियो आया था। हाँ हाँ तो मतलब उसके बाद में आगे कुछ बड़ा नहीं सर, ये ऐसा कुछ देखो मतलब काम चल रहा क्या सर, जिसमें हम लोग वहां जाके सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड करें जैसा। देखिए, ऐसा होता है कि ये 2 दिन का काम नहीं है कि आज जैसे हम कोई डिफेंस बराबर की भी डील करते हैं तो दिसंबर, और अगर हम 2015 से वो डील की थी, या जैसे हाँ 2015 से हमने फ्रांस के साथ की थी, तो हमको जाकर के डील साइन हुई 2019 में, 4 साल लग गए डील साइन होने में। अब यहाँ पे अगर बराबर हमने वहां पे रिप्लेस कराना है हमारे को सिक्योरिटी का है, तो उसमें भी टाइम लगेगा, धीरे धीरे काम होता है, क्योंकि उनको हटाना है, फिर हमको सारी तैयारी करनी है। अब दूसरी एक जो यूएई के साथ मेजर डेवलपमेंट हो रही है वो ये हो रहा है कि एक तो वहां पे दो डेवलपमेंट हो रही है गल्फ के अंदर, अभी स्वेज कनाल ब्लॉक हुई थी आपको पता है, अब एक और स्वेज कनाल खोलने बराबर का चक्कर चल रहा है, वैसे ही पैरलर वो इसराइल एक खोलने को और है। हाँ एक एक और, और नॉट नॉट दैट स्वेज अच्छा कनाल इसराइल के अंदर से बन रहा है उसके, ताकि दोनों को उसको लिंक किया जाए। उसमें क्या है, उनको बड़ी पहले यूएसए ने ऐसा प्रपोजल दिया था कि कनाल खोलते हैं और उसके अंदर उन्होंने शायद 500 के करीब वहां पे छोटे छोटे ब्लास्ट करने थे न्यूक्लियर, क्योंकि तभी खुदाई होती। लेकिन अभी क्या है हाँ कि इसराइल ने कहा है कि हम इसको खोलने की तैयारी कर रहे हैं, और इसराइल ने कहा है तो नेचुरली वो तैयारी करेगा और शायद 2 साल के अंदर खुल भी जाएगी। दूसरी बात क्या हो रही है कि इंडिया, इसराइल और यूएई, ये तीनों मिलकर ट्रेड कर रहे हैं। अभी हमारा कोई यूएई के साथ तो दैट इज नंबर 2 या 3 है यूएई हमारे ट्रेड के अंदर, इसराइल के साथ $5 बिलियन के साल में ट्रेड चलती है। और बेसिकली अभी क्या चल रहा है कि हमारी जितनी ट्रेड होगी हम यूएई में भेजेंगे, यूएई से हमारे जो है ना वो सामान जाएगा थ्रू रोड्स, वो जाएगा पूरा गल्फ से, वहां से होते सऊदी होते हुए इसराइल की तरफ, और वहां से हो सकेगा यूरोप की तरफ। तो हमारी जो प्लानिंग चल रही है कंट्री की, वो चल रही है $110 बिलियन की ट्रेड बिटवीन इंडिया, यूएई एंड इसराइल। तो हमारा वो डेवलपमेंट चल रहा है, क्योंकि देखिए बेसिकली आजकल जो काम है सारा ट्रेड पे है या तुम्हारा प्रोडक्शन पे है, और बराबर नेचुरली हम जो प्रोडक्शन साथ करने वाले हैं इंडिया, यूएई, सऊदी एंड इसराइल, वो आर्म्स की प्रोडक्शन है जो सब कंट्रीज को, तीनों को चाहिए होती है, क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो इसराइल के पास है, हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, और पैसा इन लोगों के पास है यूएई और सऊदी के साथ, तो मिलकर ये काम चल रहा है। तो हमारी ये गल्फ में बड़ी अच्छी डेवलपमेंट चल रही है। तो मतलब आते आते और एक 4-5 साल के अंदर ये एक सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान से इंडिया की तरफ डाइवर्ट हो गया, ऐसा देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही हो ही रहा है। देखो पाकिस्तान के ऊपर भी अब उनका ऐसा रिलेशन खराब हो गया कि पाकिस्तान के अंदर वो डिपेंड नहीं कर सकते पाकिस्तान पे, और इंडिया उनको सबको डिपेंडेबल लगता है। एक इंडिया की डिपेंडेबिलिटी ये भी है कि इंडिया ने किसी को चीट नहीं किया, चाहे बांग्लादेश हो, बांग्लादेश को लिबरेट करने के बाद हमने सारी टेरिटरी बांग्लादेश को दे दी, और पीएम मोदी ने भी वही काम किया है कि उसको टेरिटरी को हमने उनको जो एग्रीमेंट हुए थे उसको नॉर्मल कर दिया, यानी कि फेंसिंग वगैरह करा के जो हमने जमीन थी वो बांग्लादेश को दे दी है। तो इससे देश की कंट्री की क्रेडिबिलिटी बनती है। और एक मुझे बताइए मिस्टर सुनील, एक बार बताइएगा कि क्या यूएई में आजकल पाकिस्तानी कम दिखते हैं? एक्चुअली उतना तो डिफरेंस तो नहीं आ रहा है, बट हाँ दिख तो रहे हैं कम, नहीं कम है, यस हाँ थोड़ा कम दिख रहे बहुत हैं ना, तो वही दिख वही। रहे हैं कम। हाँ सब सुना था कि अच्छा करीब करीब 4.5 लाख लोगों को वहां से मतलब निकाल दिए, भेज दिए घर। नहीं, भेज नहीं दिया था। बेसिकली क्या हुआ था कि एक तो उन्होंने जो लोग कोविड के टाइम में पाकिस्तान चले गए थे उन्होंने कोरोना कहा वायरस के नाम पाकिस्तानी से में, हाँ उस टाइम पे उनको कोई नहीं बुलाएंगे। दूसरी बात उन्होंने की थी कि जिस पाकिस्तानी का वहां पे वीजा, वर्क वीजा एक्सपायर हो रहा था उसको रिन्यू नहीं कर रहे थे, बड़ा कंडीशनल देख रहे थे, किसी को बड़ा जरूरी है उसको रखेंगे। तो मुझे भी आज सुबह किसी ने बताया कि पाकिस्तान के गल्फ के अंदर पाकिस्तान की काफी कम हो गए, जो पहले दिखा करते थे वो नहीं है। हाँ एक कर्नल साहब, कर्नल विजय, कर्नल डॉक्टर विजय, हाँ प्लीज आप सुनिए, आप बताइए। हाँ सर, एक बात है, वो लोग अभी इधर एट अ लिमिटेड प्लेसेस पे दे हैव स्टार्टेड हायरिंग पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, और कुछ लोगों को ओके एक्चुअली अब वापस दे आर नॉट हाई लेवल बट स्लो लेवल पे ये लोग कर रहे हैं एक्चुअली। बेसिकली जो जैसे कि मेन नॉट नॉट फॉर व्हाट यू कॉल दिस दिस थिंग बट नॉट फॉर दिस वर्कर्स एंड ऑल दोस बट हाई लेवल जॉब्स के लिए ओके okay. उसमें वो रिक्वायरमेंट मतलब बहुत है, क्वालिफाइड बट क्वालिफाइड, नॉट फॉर वर्किंग। या हाँ क्वालिफाइड क्वालिफाइड, हाँ इधर हाँ हाईली क्वालिफाइड और हाईली स्किल्ड होंगे, या अच्छा, ये कर्नल डॉक्टर विजय, वुड यू क्वालिफाइड लाइक टू नॉट कम? स्किल्ड।
सर मैं हाँ 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 कुणाल आप बात बेसिकली कीजिएगा। जो 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 मोस्टली जैसे मिनट जो जो मोस्टली जो वर्कर लेवल है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये सब उनपे उसमें नहीं हो रहा है, बट मोस्टली जो जैसे कि सेल्स अकाउंटिंग और इंजीनियर्स और सब उसमें हो रहा है ऐसा है। ओके हाँ कुणाल पूछो, क्या पूछना चाहते हो? सर मेरे दो ही क्वेश्चंस हैं तुम्हारे तो हमेशा दो कि होते हैं जब पूछते हो। सर मेरे क्वेश्चंस इतने डिटेल्ड होते हैं ना कि मैं सर एक है कि भाई नक्सलिज्म का क्या 7 डिकेट्स का इंडिपेंडेंस हो गया तो भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, और दूसरा कि ये अभी हमने देखा ये जो स्क्रोल और वायर टाइप मीडिया पार्ट ने जो वो राफेल डील का 4.5 करोड़ का जो स्कैम है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि भाई ये इंटरनेशनल कोई कॉन्स्पिरेसी है देखो एमएमआरसीए डील में राफेल को अलग करने की रशियंस देखो की बेसिकली या अमेरिकन्स की? सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे देखो हर एक लगा रहता है इसके अंदर, तो कोई रहता है कि चाहे तुम्हारा मतलब स्वीडिश हो, वो भी चाहेंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ उड़ा के वो ले आए, अपने प्लेन्स को ले आए। अमेरिकन भी चाहेंगे, रशियंस भी चाहेंगे, तो ये कुछ ना कुछ कोशिश लगे रहते हैं। और मुझे लगता है कि ये एवरीथिंग इज गॉसिप, ये मैन्युफैक्चर्ड इंफॉर्मेशन। क्योंकि अब आजकल क्या होता है कि जो भी आपकी डील होती है, पहले क्या होता था, हम जो इंदिरा गांधी के टाइम में जो डील करते थे वो रशिया से करते थे। उस टाइम पे रशिया क्योंकि एक वेल नेट कम्युनिस्ट कंट्री थी, वहां पे कोई कमीशन का हिसाब नहीं होता था। बाद में हमने एक शिप बनाया था उनसे, एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो ले रहे थे वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में। उस टाइम पे जो हमारा वहां पे जो इंचार्ज था उसने वहां पे कुछ घपला किया जिसकी वजह से प्राइस बढ़ गया। और जब फर्नांडेस ने नेवी चीफ से बात की तो नेवी चीफ ने उनसे बदतमीजी की, उन्होंने कहा भाई ऐसा है नो इंक्वायरी विल बी कंडक्टेड। और सिंपल सी बात है कि आप यहाँ डिफेंस मिनिस्टर हैं, यू मे और मे नॉट बी देयर टुमारो बट आई एम गोइंग टू स्टे। तो जब उन्होंने ये बात अटल बिहारी वाजपेयी को की तो वाजपेयी ने उस टाइम पे हमारे नेवल चीफ को डिसमिस कर दिया था, निकाल दिया था, ही वॉज रिटायर्ड। लेकिन क्या है कि आज की डेट में जितनी भी हमारी डील्स होती हैं, पहले होता था हम जैसे हमने बफोर गन्स ली तो बफोर गन्स के अंदर गन्स खराब नहीं थी, वो कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ा दी तो उसका बाद में एक्सपोजर हुआ। और एक वो पहला केस था करप्शन का। उसके बाद जो है कांग्रेस के टाइम में कुछ और केस करप्शन क्या है, लेकिन तब तक क्या है कि जितने भी वर्ल्ड की ये है कंट्रीज हैं, जितने भी जो प्रोडक्शन करती हैं उनका एक शेयर था प्राइवेट के साथ। जब प्राइवेट और गवर्नमेंट का शेयर होता है तो एवरीथिंग इज अकाउंटेड फॉर, तो इसलिए वो इस तरीके का पैसा कोई किसी को दे नहीं सकते। इसलिए जिस टाइम पे चाहे आपकी वीवीआईपी हेलीकॉप्टर वगैरह की डील थी सारी कैंसिल हो गई, और उस टाइम पे कांग्रेस के टाइम में रफाल की डील इसलिए नहीं हो सकी कि पैसा नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे ये सिर्फ ये चाहते हैं एक दूसरे का नाम करके कि यहाँ पे डील फाइनलाइज हो जाए। लेकिन जहां तक मैं सोचता हूँ, इंडिया जो है ये अगर प्लेन्स लेगी तो फर्स्ट उसकी प्रेफरेंस रहेगी फ्रांस के साथ रफाल की, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे पास 6 टाइप के डिफरेंट प्लेन्स हो जाएं जिसको हमारे पायलट्स को हैंडल करने में मुश्किल। क्योंकि एक हम डील करते हैं सुकोई या जो भी ले लिए, मिग ले लीजिएगा, उनकी टेक्नोलॉजी सेम है, वो है रशियन प्लेन। दूसरा हम रफाल चल रहे हैं। हाँ ये जरूर है कि अमेरिका को खुश करने के लिए शायद अमेरिका का प्लेन लेना पड़ जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया की जो प्रेफरेंस रहेगी वो रहेगी फ्रांस की तरफ। तो क्या होता है कि हम जब किसी कंट्री के साथ डील करते हैं डिफेंस की, क्योंकि अगर हम रशिया से परचेज करते हैं तो हो सकता है अमेरिकन कोशिश करें हमारे पे सैंक्शन लगाने की, दिस डिपेंड्स। तो क्या होता है कि हम जिसकी कंट्री के साथ कोई आर्म्स की डील करते हैं तो वो कंट्री हमको बहुत रिगार्ड देती है, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री भी चलती है, साथ उनके पास पैसा भी आता है, साथ में उनके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारे फॉरेन के रिलेशंस को डेवलप करने में। जैसे मुझे याद है कि हम जब थे तो हमारे पास एक आया, एक आर्म्स डीलर था, मैं बाहर बैठा था यूरोप के अंदर, कि आप जो है ना फ्रेंच प्लेन ले लो, उसमें ये मिलेगा आपको, वहां सपोर्ट करेगा। वो डीलर जो था, मिडल मैन जो था, वो हमसे कोई पैसे नहीं लेता था और ना ही उसका उसको उनकी कंपनी पैसे देती थी, लेकिन वो हमको एक बात ये कहता था, अगर आप ये सामान लोगे तो फ्रांस आपको इस इश्यूज पे सपोर्ट करेगा, जो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता हमारी कंट्री के लिए। हम सिर्फ डिफेंस डील ये नहीं करते कि हमको सामान चाहिए, साथ में हमको उसकी चाहिए होती है सपोर्ट इंटरनेशनली, उस टाइम पे हमको बड़ी जरूरत होती। तो और वो जो डीलर था वो, उसकी मीटिंग हुई थी इंदिरा गांधी के साथ, इंदिरा गांधी से मीटिंग होने का मतलब नहीं कि इंदिरा गांधी ने पैसे ले लिए। तो ये कई बार करना पड़ता है और वो हमको बड़ी सपोर्ट दिलाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। आपने देखा कि जब हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था उस टाइम पे इंदिरा गांधी के टाइम में या बाद में भी जब किया था, तो फ्रांस ने, यूएस ने हमारे पे सबने सेंक्शन लगाने की बात की, तो फ्रांस ने कहा नहीं आई विल स्टैंड विद यू। तो हमें हाँ बड़ी जरूरत होती वो है ना। सबसे पहले तो हाँ
सपोर्ट हाँ, किया तो, था सपोर्ट किया था चीजें हमको चाहिए तो ये सब चीजें चाहिए होती है क्योंकि आम आदमी इस चीज को नहीं देखता। मैं आपको इसलिए शेयर करता हूँ बात, कोई ये बेसिकली कोई ऐसा नहीं है कि सीक्रेट बात हो, लेकिन क्या होता है कि आपको ताकि पता हो कि वर्ल्ड में क्या होता है और आप लोगों की नॉलेज बढ़े, जो मैं तभी अपने चैनल के थ्रू आप लोगों से नॉलेज शेयर करता हूँ।